भाजपा प्रदेश कार्यालय में जब से जन सुनवाई शुरू हुई है तभी से प्रदेश का लगभग हर तबका अपनी अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंच रहा है। आज भी प्रदेश कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दंपति, एक फौजी, एक स्वतंत्रता सेनानी और कई साल से नौकरी बहाली को लेकर अपनी गुहार जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों से इसी आशा और विश्वास से लगाई है अब इनकी महीनों की लड़ाई शायद खत्म हो जाइए। आइए आपको एक एक करके इनकी समस्याओं से कराते हैं आपको रूबरू। एक महीने पहले का वो समय आपको ध्यान होगा जब SMS हॉस्पिटल में एक मासूम हृदयांश का इलाज हुआ था, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब 17.5 करोड़ का। उसे मसल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर की बीमारी थी जिसके लिए उसके परिवार वालों ने और समाज वालों ने मिलकर फंड रेज किया और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी थोड़ी मदद करी और उस बच्चे को वो इंजेक्शन लग पाया जिस वजह से उसकी जान बच सकी। ऐसा ही कुछ एक मामला है जो आज भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई में उदयपुर से एक दंपत्ति आए हैं, वो अपने बच्चे का लेकर आए, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर, एक नन्हे हृदयांश को जो इंजेक्शन लगा था 17.5 करोड़ का करीब एक महीने पहले, क्या लगभग वही बीमारी है या उससे मिलती जुलती है? लगभग वही बीमारी है, वो उसमें 2 साल तक ही बच्चे की डेथ हो जाती है और इसमें लगभग 20 साल तक रहता है और इसमें बीमारी का पता लगभग 6 साल का बच्चा होता है तब धीरे धीरे पता चलने लग जाता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है, गिरने लग जाता है चलते फिरते, और वो 10-11 साल का होता है तब तक व्हील चेयर पर आ जाता है और उसको धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती, मांसपेशियाँ पूरी कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे पूरा शरीर पैरालिसिस हो जाता है और सांस लेने के दिक्कत आने की वजह से वो सांस नहीं ले पाता है और इसमें अधिकतर उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती है। आप कई जगह आप लोग गए होंगे तो वहाँ से क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला अभी तक? हम दिल्ली में भी गए, सब जगह गए पर अभी तक आश्वासन ही मिला है, काम कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पहले जयपुर भी हमने गहलोत सरकार के टाइम पर भी आए थे, उस समय भी आश्वासन मिला, अशोक जी गहलोत से भी मिले हम, उस समय भी आश्वासन ही मिला पर अभी तक काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो अगर हम जेके लॉन हॉस्पिटल की बात करें, बच्चों का हॉस्पिटल है, प्रियांशु, डॉक्टर प्रियांशु माथुर है जो इस पूरी डिजीज़ का देख रेख करते हैं, उस बीमारी के हम कह सकते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, क्या उनसे आप मिले, उन्होंने आपको क्या कुछ बोला? हाँ, हम जयपुर में आके प्रियांशु जी माथुर से भी मिले हैं तो उन्होंने कहा है अभी ये रिसर्च चल रहा है इस बीमारी के इलाज के लिए और आएगा और US में आ भी गया है जिसको जीन थेरेपी कहते हैं और कुछ इंजेक्शन भी आए हैं, उनकी कॉस्ट लगभग 17 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है एक इंजेक्शन की कॉस्ट, तो वही है कि गवर्नमेंट इतना कर नहीं सकती वो यही कहते हैं, तो अभी अपने इंडिया में इस पे रिसर्च चल रहा है तो अभी वो चल ही रहा है, मतलब कुछ हुआ नहीं है। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं पेशे से प्राइवेट जॉब करता हूँ और अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पर हूँ उदयपुर में। आपकी वाइफ क्या करती है? वाइफ अभी 1 साल पहले ही संविदा पे गवर्नमेंट टीचर 3rd grade में लगी है और ये क्या है उदयपुर में हम रहते हैं और पोस्टिंग दी है कम से कम 200 किलोमीटर दूर और अब वहीं रहती है, तो मेरा बच्चा बिल्कुल 13 साल का बच्चा है, वो अपने शरीर से मक्खी तक नहीं उड़ा पाता है और उसको अकेला संभालना, उसके नाना दादी ये संभालते हैं और उनकी भी एज हो चुकी है तो वो भी उठा नहीं पाते हैं और एक माँ होके इनको अलग रहना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि जब काउंसलिंग हुई थी तब उन्होंने माता पिता की बीमारी या स्वयं की बीमारी के लिए दिया बच्चे की बीमारी जिसमें माँ को कोई प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया था, जैसे अगर कोई है सिंगल है और वो अपने उनके पेरेंट्स बीमार है तो उनको भी टॉप पे रखा गया और हमारे जैसे जो जिनके बच्चे को प्रॉब्लम रेयर डिजीज है, ये सिर्फ अगर पैरालाइज हो या फिर कोई पोलियो टाइप की बीमारी हो तो समझ में भी आता है, ये एक रेयर डिजीज़ होने के नाते मुझे भी वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी कि मैं अपने बच्चे के पास, डेथ लाइन के पास बच्चा धीरे धीरे जा रहा है मेरा जो कि 13 साल का, 20 साल बाद मुझे नहीं पता वो मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, जितना समय बचा है मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ गुजारूँ क्योंकि मुझे कोई होप है नहीं किसी भी तरह की सरकार से, क्योंकि सिर्फ हाथ खड़े कर रखे हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो कम से कम आप लोगों के अगर एक सिग्नेचर से काम होता तो वो उतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो मुझे आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे ये छोटा बच्चा ये भी है, इसकी भी जिम्मेदारी है, घर में बुज़ुर्ग माँ बाप भी है और बड़े बच्चे को आपके रेयर डिजीज़ है,
और आपका जैसे अभी आपने बताया कि आपका ट्रांसफ़र 200 किलोमीटर दूर कर दिया गया, तो ऐसे में मैनेज कैसे कर पा रहे हैं आप? सिर्फ मैं सैटरडे और वैकेशंस पे आ पाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें भी रिस्क रहता है कि वो जितना थोड़ा बहुत संभाल पाते हैं, और बच्चा दिन ब दिन बेड पे, अगर हम थेरेपी कराना चाहें वो नहीं करा सकते क्योंकि हम प्रॉपर टाइम दे ही नहीं सकते, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, मैं आ नहीं सकती हूँ, अदरवाइज़ हम साथ में मिलके थोड़ा उस चीज़ को मैनेज कर पाते थे, लेकिन अब कुछ मैनेज नहीं, और 9 मंथ से वो बच्चा सफ़र कर रहा है। अभी आप यहाँ पे जन सुनवाई में आए हैं, अंदर आप गए होंगे, आपने अपनी परेशानी बताई होगी, तो वहाँ से अंदर से आपको क्या आश्वासन? अंदर से यही कहा है कि करते हैं, शिक्षा मंत्री जी को एप्लीकेशन भेजते हैं तो आगे कुछ। हाँ, बच्चे के लिए तो वो यही है कि गवर्नमेंट में बजट में कुछ बात करेंगे, बजट में कुछ लाएंगे इसके लिए, पर ये हर बार की लाइबिलिटीज़ नहीं है बच्चे के लिए, कुछ काम भी करना हो ना उसको हाथों में उठा के ले जाना पड़ता है, इतना भी नहीं गवर्नमेंट के, कुछ साइन भी चाहिए बच्चे का तो घर आके उससे ले लिया जाए, वो परेशान हो रहा है उसको और परेशानियों में डाला जाता है। अगर एक हमको आधार कार्ड भी बनवाना है तो वो बच्चा लाइन में ही लगेगा, उसके लिए ये भी नहीं है कि वो लाइन से हटके उसको पहले ले लिया जाए या फिर ऐसे कोई चीज़, इनकी तरफ कुल मिला के सर इनको छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उदयपुर से ये दंपति आए हैं और इनका जो बच्चा है वो उसी बीमारी से पीड़ित है जिससे 1 महीने पहले हृदयांश की जो खबर आई थी, जिसे 17 करोड़ का इंजेक्शन लगा था, इनका भी बड़ा बच्चा उसी बीमारी से पीड़ित है, और आप देख सकते हैं ये अपने छोटे बेटे के साथ में यहाँ पर हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को घर पर नहीं छोड़ा जा सकता, उदयपुर से आए हैं, और इनकी सिर्फ एक परेशानी नहीं है, एक परेशानी और है कि इतना सब कुछ होते हुए भी संविदा पे इनकी जो नौकरी लगी है वो इनके शहर से 200 किलोमीटर दूर लगी है। अब आप समझ सकते हैं इस परिवार की परेशानी, हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, वाइफ की नौकरी संविदा पर लगी लेकिन वो भी 200 किलोमीटर दूर लगी, और एक ऐसा ये घर है, ये एक ऐसा परिवार है जो एक बच्चा इनका गंभीर बीमारी से पीड़ित है, खुद अपना काम वो नहीं कर सकता, घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, तो अपनी तमाम परेशानी लेकर ये यहाँ पर जन सुनवाई में। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी सुनवाई कब तक हो पाएगी और इन्हें राहत कब तक मिल पाएगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। भाऊजी, क्या परेशानी है आपकी? मेरा जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ावा, गांव किठाना है। किठाना गांव में 2011 में भैरू सिंह ने मंदिर को जागीरदार मान करके हमें खातिरदारी दी थी। 2030-32 में भैरू सिंह आ गया। भैरू सिंह ने ज़मीन के नंबर बदल कर और उसको खातिरदारी से हटा कर दोबारा मंदिर के नाम किया, मंदिर को नाबालिग, गोपीनाथ को नाबालिग कर दिया और ट्रस्ट बना लिया। क्यों मंदिर में कुछ नहीं जाता, वो ट्रस्ट में जाए। हमारे 20 साल चौगुना माल लगा, सरकार ने माल बंद कर दिया, उसके बाद में तो माल यहाँ पे जो आए हैं क्या मांग लेकर मामला लेकर आए हैं कि हमें न कोई सरकार से कुछ नहीं मिलता, हम तो पाकिस्तान से भी दूर हैं, कुछ नहीं मिलता हमें। गवर्नमेंट में रिपोर्ट करते हैं, तहसीलदार पीछे घेर देता है। दो समस्या हैं हमारे, एक तो ज़मीन हमारे नाम क्यों नहीं, 800 साल से गांव बसा हुआ है, ज़मीन हमारी है ना। अब किसी से कहा, कोई मंत्री से, तो उसने कहा मुआवजा लगेगा, रिश्वत मांगी, मतलब रिश्वत मांगी उन्होंने, हाँ मुआवजा लगेगा। तो मुआवजा किस चीज़ का, 800 साल पहले मुगलों के टाइम में हमारा गांव बसा हुआ है, मुआवजा कब कैसे बात है? कौन सा गांव कौन सा है, जिला कौन सा लगता है? जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ावा और गांव किठाना। नंबर दो, हमारे सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में इस नदी का नाम अटक सागर था, इस कलयुग में इसका नाम काटली है। ये लालड़ी खान दसरापुर से लेकर और बोबिया तक पानी भरा हुआ रहा था, उस पानी को श्री श्राम ने कॉपर सेंटर का था और श्री श्राम ने हमारे झुंझुनू का पानी वहाँ तांबा धोने के लिए 40 साल दिया, पानी को खींच लिया,
40 साल के बाद में शीशराम ने उस नदी के बांध बांध दिया। कम से कम 30 करोड़ आदमी बिना पानी हम दुखी हैं देश में, क्या बस कर, आज़ादी बताते हैं हमारे, आज़ादी नहीं है, हम बर्बादी में हैं। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 86 साल हो गई, 87 लाख गई है ना। मैं गुलामी भी देखी है मैंने और ये आज़ादी भी देखी है, हमारे तो आज़ादी नहीं आई। क्यों नहीं? हमारे ज़मीन नाम छोड़ी, चोर आ गए, उन चोरों ने अपने नाम ज़मीन कर ली। शीशराम ओड़ा आया, उसने हमारा पानी और 45 साल कोपर में तांबा धोने के लिए दिया, सेंटर का पानी आना था वहाँ है ना, हमारे ज़िले का पानी खींच गया और आखिरी उसे काटली नदी के बांध बांध दिया। बिना पानी हम महादुखी हैं। या तो सरकार सुनाई करे, यदि सरकार सुनाई नहीं करेगा तो विद्रोह होगा। तो आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग समस्या को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी जिन बुज़ुर्ग को आपने सुना वो करीब 87 साल के वो हो चुके हैं, और गुलामी भी इन्होंने देखी है, और आज़ादी के समय से जो इनकी परेशानी है पानी की, ज़मीन की, वो अभी तक इनकी सॉल्व नहीं हुई, और कहते हैं बिन पानी सब सून होता है। करीब 30 करोड़ इन बुज़ुर्ग ने बताया लोग वहाँ पर रहते हैं, और उन सब की आशा मात्र एक बूंद पानी है, जो पहले कभी लबालब बहता था लेकिन आज राजनीति के चलते वहाँ पर पानी की बूंद नहीं बची है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ फौजी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप फौजी हैं, आपने देश के लिए काम करा है, देश की रक्षा करी है, देश के लोगों की रक्षा करी है, ऐसी क्या बात आ गई कि आज आपको यहाँ आना पड़ा? कि मैं साहब, मैं ज़मीन ली थी 2014 में, मैं रिटायरमेंट हुआ, पूरे पैसे गांव की ज़मीन बेच के दे दी। मैंने दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, कलेक्टर को 2-2 लेटर लिख चुका हूँ, SDM को दे चुका हूँ, ये पत्रकटी के आदेश करा चुका हूँ, अपन भूमि माफिया ने मेरी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया, और जाधपुर का MLA गोपीचंद मीणा उनका सहयोग में है, और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव सिद्धार्थ पंत जी को भी मैंने 2-2 लेटर दे के मिल चुका हूँ, पर मेरी कहाँ से भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक मैं फौजी, जब मैं देश की जनता की, देश की ज़मीन एक इंच भी नहीं जाने दी, पर आज मैं मेरी ज़मीन के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं इसलिए मेरा तंग आके, मैं या तो मेरे को ये मिल जाए, नहीं मैं और मेरे परिवार आत्मदेह करने के लिए तैयार होंगे। मेरा सूबेदार मेजर मेहरचंद जाट नाम है, और मैं 2013 में रिटायर हुआ था, वो पूरे 30 साल की सर्विस की नौकरी और गांव की ज़मीन बेच के मन ये ग्राम रूपुरा तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा में ज़मीन खरीदी थी, परंतु आज तक मैं दर दर की खोगा, मेरी ज़मीन मेरे को नहीं मिल रही। SDM साहब ने आदेश पत्रकटी के कर दिए और तहसीलदार, और उन्होंने उस ज़मीन का पत्रकटी नहीं कराया, बोला ये एक दूसरे कब्जे हैं, हम पत्रकटी नहीं करेंगे। तो साहब, मैं हर जगह में मुख्य सचिव महोदय सिद्धांत पर्त जी को 2-2 मिल चुका हूँ, कलेक्टर को 2-2 लेटर चुका हूँ, SDM को दे चुका हूँ, तहसीलदार साहब को दे चुका हूँ, पर मेरी कहीं भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं सभी महानुभाव मीडिया से विनती करता हूँ कि मेरी ज़मीन मेरे को दिलाई जाए। बिल्कुल, आपने सुना, एक फौजी की व्यथा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने मेरे देश की ज़मीन एक इंच भी नहीं जाने दी, और आज मुझे मेरी ज़मीन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, ये कैसा न्याय मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ है। और शायद इसीलिए आज ये भी भाजपा कार्यालय जन सुनवाई के लिए पहुँचे हैं, अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए। कुछ महिलाएँ भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे इनकी क्या व्यथा है, ये क्या अपनी समस्या लेकर आज इस जन सुनवाई में आई है, क्या समस्या है? हमारी सब समस्या है बेघरों के लिए घर मांगने की, तो 2-2 साल से हम तो ज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह सब दे रहे हैं, तो कोई सरकार हमारी, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, कह रहे BJP को उनको सपोर्ट करो, हमने उनका सपोर्ट भी किया, वो भी हमारी सुनवाई नहीं करते। अब कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के है, देवी पूजक समाज है, देवी पूजक समाज गुजराती महिला फुटबॉल। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ विद्याधर नगर रहते हैं, बर्तनों का काम करते, गली गली फेरी लगाते, पुराने कपड़े का काम करते फुटपाथ पे। तो सरकार को कहते हैं, हम तो जो तुम्हारा फंड लग रहा है, हम तो फंड भी सर देने को तैयार है, जो 3-4 हज़ार रुपये कमाएगा, मकान का किराया भरेगा, बच्चों को पालेगा, क्या करे, अब जो किस्तें होगी हम तो सरकार को देने को, हम ऐसे नहीं मांगते, जो सरकार की किस्तें हम देने को भी तैयार है, पर सर कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, लिख के दे देते, निगम में जाते हैं तो नहीं मिलेगा, ये किसी के सर्वे हुए 15-15 साल तक, थोड़ी किसी के सर्वे रुकते सर,
अभी आप अंदर मिलकर आ गए हो आप? हाँ, अंदर से मिलके आ गए, बस देख के आ गए कि लेटर ऐसे तो आते हैं, कभी जेडीओ के ऑफिस में जाओ, कभी कार्यालय में जाओ, कभी मुख्यमंत्री के पास जाओ, सब जगह जा के आते, पर कहीं सुनवाई नहीं होती, नहीं सुनवाई है तो मना कर दो डायरेक्ट, फिर हम और किसी का दरवाजा खटखटाए, जब आप ही नहीं सुनोगे तो फिर सुनेगा कौन और क्या होगा। जाहिर सी बात है, इन महिलाओं का यही साफ तौर पर कहना है। और यहाँ पर आए उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आए हैं, अपनी अपनी समस्याएं यहाँ बताने आए हैं ताकि उन समस्याओं का निदान हो सके या फिर कुछ राहत उन्हें मिल सके, ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें, अच्छे से कर सकें, अपने परिवार के साथ गुजर बसर अच्छे से कर सकें। तमाम तरह की समस्याएं हैं, कोई अपने बच्चे की बीमारी को लेकर आया है, कोई अपनी ज़मीन की समस्या को लेकर आया है, कोई अपने घर की छत की समस्या के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन तमाम समस्याओं का क्या उचित निस्तारण हो पाएगा और क्या ये जन सुनवाई सार्थक सिद्ध हो पाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।